हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 18 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 16 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम पढ़ेंगे दो चर में रेखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि मतलब दो चर वाले जो रेखिक समीकरण हैं उनके युग्म को हम ग्राफ बनाकर हल करने की विधि को क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है, रेखिक समीकरण का जो ग्राफ है एक सरल रेखा होता है, आपको पता है लाइन से बना होता है। ठीक है, तो रेखा के जो प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक है वो समीकरण का हल होते हैं। जहाँ पर वो मिलते हैं, मान लीजिए मतलब उन जो रेखा है उनसे ही हमें पता लगता है कि उसका हल क्या होगा। रेखिक समीकरण के युग्म के लिए दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु हल होते हैं। जहाँ पर भी वो बिंदु एक दूसरे को काटते हैं जो रेखाएं, वो क्या होते हैं, उसके हल होते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्या उसका मानक है, इस तरीके से दर्शाते हैं किसी भी रेखिक समीकरण को। और ग्राफ जो बनता है वो तीन तरीके से आपका बन सकता है। जैसे पहली स्थिति में क्या होगा, आपस में जो लाइन है वो प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु आपका होगा यहाँ पर, जिसमें जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है दोनों में का, और एक ही हल होता है इसका। दूसरा, अगर जो दो रेखाएं हैं आपकी इस तरीके से बनती है समानांतर, तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इसमें, तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। तीसरा, इस स्थिति में हर बिंदु रेखाओं का हल है, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, दूसरी रेखा है, तो जितने भी पॉइंट है ना इस लाइन पे, सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हर बिंदु उभयनिष्ठ अनगणित हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए बातें उदाहरण पे जो हमारी वर्कशीट में हमें करना है समझने के लिए। आपको क्या दे रखा है, ये कि यहाँ पे आपको रेखिक समीकरण दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको आपको हल करके ग्राफ की हेल्प से आपको इसका वो निकालना है, हल निकालना है। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में जब आप x को 0 रखते हो तो आपका जो y है, y का मान क्या आता है, 1 आता है। और जब इसमें आप x 3 रखते हो तो y का मान कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली इक्वेशन का हल। ठीक है, मतलब जो दो निकाल रहे हैं ना, आपको दो दो निकाल रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, दो तो कम से कम है ही, तीन भी निकाल सकते हो। उसके बाद ये तो आप जो दूसरे समीकरण है इसके अंदर x को जब आप 0 रखोगे तो y आपके पास 4 आएगा, जब x को 4 रखोगे तो वो आपके पास y 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अभी ये पॉइंट बनाने हैं ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट है 0 1, तो मैंने 0 और 1 पे बना दिया। दूसरा पॉइंट है आपका 3 और 7, तो मैंने 3 और 7, देखो ये 3 है ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 7 पे मैंने दूसरा पॉइंट बना दिया, इन दोनों को मिला दिया, ये है इस समीकरण का हल। दूसरा क्या है आपके पास, 0 और 4। ठीक है, तो 0 और 4 यहाँ पे है, और 4 और 6 आपका यहाँ पे, इन दो को जब मैंने मिलाया तो ये मेरा इस समीकरण का हल होगा। तो आपस में जो दोनों रेखाएँ वो कहाँ पर काटती हैं, देखो यहाँ से 2 और 5 पे काट रही हैं, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, इन समीकरण जो ये रेखिक समीकरण है आपके, इनका हल हो जाएगा। तो 2 5 वह बिंदु है जहाँ रेखाएँ काटती हैं, अतः x 2 और y 5 होगा इस युग्म का हल। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यदि दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म को दर्शाती रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके डैश हल होंगे। एक दूसरे के समानांतर होंगे तो कैसे हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी उनके 0 लिख दो यहाँ पे, या फिर 0 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो 0। ठीक है, 0 हल होंगे क्योंकि वो समानांतर है, कहीं पर भी नहीं काटते, तो 0 हल होंगे। अगला है आपका, यदि दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म के अनगिनत हल हो तो उन्हें दर्शाने वाली रेखाएं डैश होंगी, कैसे होंगी। देखो अभी हमने ये किया था, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हल होगा जब ये प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, कोई भी हल नहीं होगा जब ये समानांतर हो जाएंगी, और संपाती रेखाएं होंगी जब एक के ऊपर एक होती है, अनगिनत हल जिसमें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, संपाती रेखाएं। ठीक है, ऊपर से स्पेलिंग आप देख सकते हो, तो आप लिखोगे रेखाएं संपाती। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0। तो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है ग्राफ की विधि से आपको हल करना है। 2x + y - 14 0 के बराबर है, और x + 2y - 2 0 के बराबर है। यहाँ पे देखो इस ग्राफ की हेल्प से ये आपको क्या करना है कि जो ग्राफ है ना उसमें आपको हल निकालना है इसका। ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना। और ऐसे ही जो चौथा प्रश्न है इसमें भी आपको हल निकालना है, ग्राफ की विधि से आपको इन दोनों को क्या करना है, हल निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन, कैसे हम ग्राफ पे बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपका
दो इक्वेशंस कौन सी थी, 2x प्लस वाई माइनस 14 और दूसरी क्या थी, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर ये माइनस में है 14, है ना, जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 14, है ना। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, 2x प्लस वाई 14 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ये माइनस 2 है, देखो ये माइनस 2 है, इधर माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के पास प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब हमें ये टेबल बनानी है और इस टेबल में दो दो सॉल्यूशंस निकालने हैं इनके, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। पहले यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैं आप y को 0 रखती हूँ इस इक्वेशन में, अगर मैं y को 0 रखती हूँ, y को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, 7 आई, ठीक है। वाई 0 है तो x 7 है। और अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैं 2 रखती हूँ, y की वैल्यू 2 रखने पर इस इक्वेशन में मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है ना, ये रही 6। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास y, अगर आप इस इक्वेशन में 0 लेते हो तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और अगर आप x 0 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये हो गया हमारे इसके सॉल्यूशन, दोनों के दो दो सॉल्यूशन निकालने थे। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ में बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कर लोगे ना, क्योंकि सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ से आपको नोट करना शुरू करना है, सीधा सीधा क्या करना है, जो इक्वेशन लिखी है टेबल बनानी है और उसमें दो दो कुछ भी रख सकते हो आप वैल्यूज़। यहाँ पे जैसे मैंने 0, 2 रखा, आप यहाँ पे 4, 6, 10 कुछ भी रख के देख सकते हो। ये नंबर जैसे आप इस तरीके से, जैसे माइनस से हम बच जाए, अगर आए भी तो बहुत पास में, जैसे -1, -2 इतना ही, ज़्यादा दूर ना जाए, इस तरीके से रखो। अगर ऐसा बड़ा आ रहा है तो उस नंबर की जगह कुछ और रख के देख लो, ठीक है। ऐसे होते हैं इनके सॉल्यूशंस। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो ग्राफ में हमारा जो पहला पॉइंट था, ये आपका ग्राफ है पूरा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो, अब आपका जो पहला पॉइंट था क्या था, 6,2 और दूसरा पॉइंट था 7,0। तो ये लाइन हमारी बिन बन गई, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद दूसरा था 0,1 और 2,0, ठीक है, इसको हमने मिला दिया। तो आपस में ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट क्या है, अगर मैं देखती हूँ तो इधर से -3 है, इधर से 8.6 या 8.7 कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो जो ये मेरी इक्वेशन थी, ये दोनों जो इक्वेशन थी, इनका आंसर क्या हो जाएगा, -3 और 8.6। एक्स और वाई तो निकालने, इसने यही तो बोला है ना क्वेश्चन में कि आपको जो ये ग्राफ है बस इसको आपको इस सॉल्यूशन निकालना है, इसका हल निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या हल निकला है इसका, एक्स और वाई कहाँ पर मिलते हैं, वही इसका हल होगा, है ना, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मिलते हैं -3,8.6 पे, ठीक है। तो आप लिखोगे नीचे, इसके नीचे ही लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एक्स कितना हो जाएगा, -3, वाई 8.6, ठीक है, ये आप नीचे लिख देना अलग से, अगर लिखना चाहो तो। वैसे तो यहाँ से भी पता लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में देखो, वही आपके पास यहाँ दो इक्वेशन दी है। पहली क्या है, पहली है x माइनस वाई इज -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो -6 है इसको मैं इधर ले जाके प्लस में कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 6 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन आपके पास, ये क्या है, क्वेश्चन ऊपर हमने देख लिए थे ना, हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों में क्या करना था, बस ग्राफ बना के आंसर निकालना था। तो इसमें भी क्या करना है, 2x माइनस 2y प्लस 2 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप 2 सब में है, ठीक है, 2 सब में है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, फिर ये इधर जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनता है। अब जो ये प्लस 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले इसका निकालते हैं, हम दो दो सॉल्यूशन सबके निकालेंगे। जब मैं y को 0 रखती हूँ, ठीक है ना, जब मैं y को 0 रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है, और जब मैं y को 2 रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, 8 आती है, जो मैंने इसमें पुट करके निकाली है, ठीक है। ये तो हो गया इसके सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसके, देखो सेकंड के सॉल्यूशन देखो, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो मेरा x कितना आया है, -1, और अगर मैं x को 0 रखती हूँ, अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो मेरा y आया है 1, ठीक है। तो ये हो गए दो दो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, ये यहाँ से नोट डाउन शुरू करना है आपको, चौथा क्वेश्चन, और उसके बाद ये सारा टेबल बना के नीचे ये निकाल के बनाना है। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, देखो ये आपका कुछ इस तरीके का
ग्राफ बनेगा। नीचे यहाँ पे देखो ऐसे ज़रूर लिखना है आपको, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश एक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तो ज़रूर लिखनी है, ये वाई। अब यहाँ पे हम अपना ग्राफ अगर बनाते हैं तो एक पॉइंट क्या था 6.0 और एक था 8.2, इसको मिला दिया, ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का निकालना है। कौन से पॉइंट थे, एक तो था यहाँ पे 0.1, ठीक है, उसके बाद एक था यहाँ, ये क्या है, ये अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो ये -1.0 है, ठीक है, ये -1.0 थोड़ी सी कटिंग हो गई थी यहाँ पे, ये कोई सोल्यूशन नहीं, इसको मत लिखना, ये गलती से मैंने पॉइंट नीचे लगा दिया था, पिछली बार भी ऐसे ही हो गया था तो मैंने अब की बार डबल चेक कर लिया था। चलो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे, ये क्या है इसका, अब देखो आपस में ये कैसी लाइन है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका कोई भी आंसर कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कुछ भी नहीं लिखोगे, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हिंदी में आप लिखोगे कोई हल नहीं, ठीक है, यहाँ ग्राफ में मत लिख देना, नीचे लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ लिख देना इसके नीचे नो सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, ये हो गया इसका आंसर। तो ये आपको ग्राफ बनाना था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई ये पूरी वर्कशीट। कोई भी डाउट है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।